हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का 6th चैप्टर जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो, जनन स्वास्थ्य जनन से संबंधित जितनी भी दिक्कतें होती हैं, जनन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं और इसकी देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए, अगर बच्चे के होने को कंट्रोल करना है या हमें हमारे अपने परिवार को नियोजित करना है, संतुलित करना है, हाँ, तो हम कौन कौन से तरीके ऐसे अपनाएं या संभोग करने के बाद भी गर्भधारण ना हो, इसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं, कौन सी स्थायी विधियां हैं, कौन सी अस्थायी विधियां हैं। स्थायी विधि मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट जिसमें होता है, जिसमें फिर जिसको करवाने के बाद कभी भी गर्भधारण नहीं होता। अस्थायी ये मतलब टेम्परेरी होता है, जब तक इसको यूज करोगे तो गर्भ नहीं ठहरेगा, जैसे ही आप इसको यूज करना बंद कर दोगे तो गर्भधारण द्वारा से हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, इसमें पहले क्या होता था कि बड़े बड़े ऑपरेशन करके ये चीज़ें की जाती थी, जिसमें देखो पेन भी बहुत ज़्यादा होता था, दिक्कतें भी बहुत होती थी, टाइम भी बहुत लगता था और ये मैक्सिमम ऑपरेशन औरतों में किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसी टेक्निक आ गई हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा शल्य चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे से चीरे लगा के कहाँ पे उधर गुहा में या पेट के भाग में, वहाँ से फिर मतलब ये जो नलियाँ हैं इसको काट के और जो भी है ये कर देते हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ये जो विधियाँ हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं बांध्याकरण या स्टरिलाइजेशन। बांध्याकरण क्या है? बांध्याकरण मतलब किसी भी चीज़ को बांध देना। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, जनतों से जनत क्या है, जैसे स्त्री में कौन सा हो गया, ये सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं क्या बांध्याकरण जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बांध्याकरण या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिल लाइजेशन। ठीक है, इसकी दो विधियां हैं, एक कौन सी है, एक है महिला नस बंदी, ये इसी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, दूसरी क्या है, पुरुष नस बंदी या इसी को क्या बोलेंगे, वैसेक्टोमी। ठीक है, तो बांध्याकरण में क्या किया जाता है, जनन वाहिनियों को किसी स्थान पर काटकर उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे जो युग्मक निकलेंगे, युग्मक आगे अपना मूवमेंट या गति नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ये विधि आपकी क्या कहलाती है, बंध्याकरण। इसमें दो तरीके आते हैं, एक तो आता है आपका स्त्रियों के लिए कौन सा हो गया, जो स्त्रियों में किया जाता है, इसे क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी, महिला नसबंदी। ठीक है, ये टॉपिक इस टॉपिक पे ज़्यादा जोर मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ना वैसे भी आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है, तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ लेना। अब देखो, ट्यूबेक्टोमी या महिला नसबंदी इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये देखिए, ये आपका क्या है, ये तो होगी ओवरी, ओवरी या जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय में क्या होगा, यहाँ पे अंडा बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, अंडा बनेगा। ठीक है, अब ये सारा तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, फिलोपियन ट्यूब के ये भाग हैं, तो ये आप जो पिछली वीडियो है उसमें देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब ये अंडा मूव करता हुआ यहाँ पे जाएगा, तो आपको पता है कि शुक्राणु क्या करते हैं, मूव करते हुए इस तरह से यहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, तो जब ये शुक्राणु यहाँ आएगा, अंडाणु कहाँ
यहाँ से अंडोसर्व होगा, फिर ये यहाँ पे आएगा और शुक्राणु यहाँ जाकर क्या करेगा, इसको फर्टिलाइज कर देगा। अब इसमें ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, जहाँ से अंडाणु मूव करके शुक्राणु से मिलेगा, इस फेलोपियन ट्यूब को किसी भी जगह पे काट कर क्या कर, यहाँ पे देखिए कट लगा हुआ है, किसी भी जगह काट कर इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ठीक है, ये कट लगा के यहाँ पे बांध दिया गया, तो जो इसका मूवमेंट है किसका, अंडाणु का, ये यहाँ तक ही जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जाके ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। बेशक यहाँ से शुक्राणु जा रहे हैं, लेकिन ये शुक्राणु ऊपर नहीं जा पाएंगे, यही गर्भाशय में ही रुक जाएंगे। ठीक है, जब ये अंडाणु से नहीं मिलेगा तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ये जो ऑपरेशन है, महिला ऑपरेशन, ये मैक्सिमम उस समय किया जाता है जब प्रसव या डिलीवरी होती है। ठीक है, उस समय इसको करना आसान होता है, उसी समय अगर किसी को करवाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा चीरा लगा के इसको कट करके बांध दिया जाता है। ये स्थायी विधि है, सरल है और इतना ज़्यादा इसमें पेन भी नहीं होता और रिकवरी भी इसकी जल्दी होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ पे गर्भाशय हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, गर्भाशय और ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, या इसी को क्या बोलते हैं, अंड वाहिनी। ठीक है, तो जो कट लगाया जाता है वो किसमें लगाया जाता है, अंड वाहिनी। अब ये कौन सा हो गया, ये महिला नसबंदी और ये क्या है, पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी, या इसी को क्या बोलते हैं, वैसे क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए इसके भी जो जनत हैं, जनत से क्या निकलेगा, युग्मक। ठीक है, अब यहां पे ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिस, टेस्टिस या वृषण। ठीक है, अब यहां से जो वृषण से वो निकलेगा और शुक्राणु निकलेगा, शुक्राणु मूव करता हुआ कहां पे जाएगा, इधर तक, इधर से यहां इस तरह से मूव करके फिर इस तरह से यहां पेनिस से होता हुआ बाहर निकलेगा। तो यहां पे इसको क्या कर दिया जाता है, अगर यहां पे या यहां पे किसी जगह ये जो वास्तव है, ये नली कौन सी है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, या इसी को क्या बोलते हैं, सॉरी शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इसका नाम भी देखो, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस, तो इसके शुरू में क्या आ जाएगा, वास, इससे आप समझ सकते हो, ट्यूब अगर है तो महिला नसबंदी और वैस वास अगर लगा हुआ है तो वो क्या होगा, पुरुष नसबंदी। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये देखिए, इसको भी किसी जगह पे काट कर इस तरह से बांध दिया जाता है, तो जो यहाँ पे शुक्राणु मूव करके जाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, जब आगे नहीं बढ़ पाएगा तो इसका स्खलन भी नहीं होगा और ये वैजाइना में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा, जिससे अंडाणु और शुक्राणु आपस में फर्टिलाइज नहीं होंगे और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, गर्भधारण नहीं होगा। तो ये किसमें, ये जो अच्छा दोनों में से ये एक ही, जैसे महिला और पुरुष है तो या तो महिला करवा ले या तो पुरुष, ऐसा नहीं कि दोनों को करवाना है, एक ही को करवाना होता है, या तो पुरुष करवा ले, सेम प्रोसीजर वही है, हल्का सा कट लगा के इसमें अंडवाहिनी को निकाल के बांध दिया जाता है, इसमें शुक्रवाहिनी को निकाल के बांध दिया जाता है, जिससे जो शुक्राणु या अंडाणु है वो आगे नहीं बढ़ पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ये एक स्थायी विधि है, मतलब इसको करवाने के बाद कभी भी गर्भधारण आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये परमानेंट और स्थायी विधि है, ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। ये टॉपिक देखो, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी मैक्सिमम भी ये ट्यूबेक्टोमी या वैसेक्टोमी नाम से पूछा जाता है और ये टॉपिक कई बार एग्जाम में आया है,
एग्जाम में भी आया है और ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। बहुत लोगों को डर भी लगता है कि इसको करवाएं या ना करवाएं, सेफ है कि नहीं, आगे क्या दिक्कतें होंगी। तो ये पूरी तरह से सेफ होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। बस इसमें ये सारी चीज़ किसके ऊपर डिपेंड रहती है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है मतलब उसके रास्ते को, ठीक है, उसके रास्ते को क्या कर देना, अवरुद्ध कर देना, ताकि वो आगे न बढ़ पाए, ना तो अंडा बढ़ पाए ना तो शुक्राणु। अगर शुक्राणु उसमें होता है पुरुष में तो अंडे के लिए, इसमें होता है तो शुक्राणु के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, पुरुष नसबंदी महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी शुक्रवाहिका को काट कर बांध देना, पुरुष नसबंदी। इसमें अंडवाहिनी को काट कर बांध देना, ये क्या होगी, महिला नसबंदी, ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आता, कहीं भी कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।